नमस्कार, कार्यक्रम तारे आंखते ने देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर सुखमंदर लुधियाना से। आज बात करते हैं उन शख्स के बारे में जिनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं और जिम्मेदारियां होने के बावजूद धन नहीं आ रहा, तो ऐसी हालत में वो अगर ज़िंदगी में लाभ हासिल करना चाहते हैं तो एक शुक्रवार को आप मंदिर में जाके एक लाल कमल का फूल लेके उसके ऊपर रोली से तिलक लगा के लाल कपड़े के ऊपर रख के धूप बत्ती दिखा के माँ लक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ा दीजिए। फिर बैठकर लक्ष्मी चालीसा का आप पाठ कीजिए, कम से कम 7 पाठ कीजिए। उसके बाद आप पंडित जी को विनती करके वही जो फूल है आप वापस ले लीजिए, उसको लाल कपड़े में लपेट के आके अपने धन स्थान पर रख दीजिए, तो ज़रूर आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में जो भगवान शिव जी के प्रातत्व का प्रकाशक माना जाता है। इसको धारण करने वाला बहुत चिंताओं से मुक्त रहता है और ब्रह्म हत्या का पाप भी उसका दूर हो जाता है। इसका पूजन करने से इंसान के घर में लक्ष्मी जी निवास करते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष को सोमवार के दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ओम ए हा ओ ए ओम मंत्र का जाप करके 108 बार फिर धारण करना चाहिए। अब एक छोटी सी बात करते हैं हिचकियों की। बहुत से दर्शक पूछते हैं कि अचानक हिचकियाँ आनी शुरू हो जाती हैं और फिर हिचकियाँ उनकी बंद नहीं होती। ताज़ा अदरक ले लीजिए, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। उसके बाद जब भी हिचकियाँ आती है तो उन टुकड़ों को आप चूसना शुरू कर दें, हिचकियाँ आपकी तुरंत दूर हो जाएगी। खिड़कियों की बात करते हैं। खिड़कियाँ हमेशा घर में दरवाज़ों के सामने होनी चाहिए ताकि जो भी मैग्नेटिक चक्र है वो पूरा हो सके और एनर्जी लेवल जो है वो ठीक हो सके, ताकि पॉजिटिव एनर्जी जो है वो घर में आए और नेगेटिव बाहर चली जाए और इसी से घर के सुख में वृद्धि होती है। तो प्रिय दर्शकों, अगर वास्तु की ही बात करते हैं तो जैसे हमने कुछ एपिसोड्स में बताया कि बांसुरी से आप किस तरह घर का वास्तु ठीक कर सकते हैं, उसी विषय को आज आगे बढ़ाते हैं। घर में अगर बहुत ज़्यादा वास्तु दोष है तो 2 या 3 दरवाजे एक ही सीध में है, ज़्यादातर 3 दरवाजे, तो बांसुरी से बनी हुई विंड चाइम्स आप घर में लगाते हो। उन जैसे 3 दरवाजे सीध में है, एक में तो सेंटर वाले दरवाजे पर आप लगा देते हैं तो उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर वहाँ स्थिति ना हो तो किसी भी खिड़की पर लगा दीजिए, जहाँ हवा जब आए तो वो विंड चाइम्स बजती रहे, तो उससे बहुत अच्छा होगा। बहुत से लोग मेडिटेशन करते हैं, वो चाहते हैं कि मेडिटेशन में बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचे। अगर ऐसी साधना करनी चाहते हैं तो 21 या 51 बंसुरियों से बनी हुई एक झालर जो है वो अपने पूजा स्थल पर आप लगा देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ऐसी जो पति पत्नी के बीच में कोई प्रॉब्लम्स आती है उसका कारण होता है कि बेडरूम में पलंग के ऊपर कई बार बीम होता है या डाइनिंग टेबल के ऊपर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो जिसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, तो उसके निवारण के लिए आप उस बीम के दोनों तरफ एक एक बांसुरी आप लाल फीते के साथ बांध दीजिए और उनके सेंटर में एक एक मोर का पंख भी लगा दीजिए। बांसुरी का मुंह नीचे की तरफ होना चाहिए तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर बांसुरी को घर के मुख्य हॉल में या प्रवेश द्वार में क्रॉस करके तलवारों के रूप में लगा दिया जाए तो चोर डाकू या और भी जो आने वाली मुसीबतें हैं घर के ऊपर उससे आपकी रक्षा होती है। हमने बहुत से घरों का वास्तु किया है पूरे वर्ल्ड में हमने, और उसमें देखा है कि लोग एक घर को बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपया तो लगा देते हैं लेकिन जब उसको बनाने की कोशिश करते हैं तो वास्तु के लिए कुछ हज़ारों रुपए भी खर्चते नहीं हैं और बाद में वही घर उनके बिजनेस को डुबो देता है, उनकी सेहत को डुबो देता है, घर में मौतें होने लगती है और बहुत सी अशांति फैल जाती है। प्रिय दर्शकों, आप इस तरह की प्रैक्टिस मत कीजिए। अगर घर बनाते हैं तो उसका वास्तु ज़रूर करवाइए किसी भी एक विशेषज्ञ से और उसके बाद ही उसको बना के एक मुहूर्त के मुताबिक वहाँ पर प्रवेश कीजिए। फिलहाल बताइएगा कि आपको कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड। अगर अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर सुखमिंदर लुधियाना इंडिया को सब्सक्राइब करके वहाँ पर पड़े बहुत से एपिसोड्स को आप देख सकते हो, और हमसे अपॉइंटमेंट लेनी हो तो हमारे फ़ोन नंबर पर कॉल करके आकर मिल सकते हैं या टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।